रायबरेली में थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी की सीट से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री को हरा देती 2-3 लाख वोट से। क्या प्रियंका गांधी के सामने ये प्रस्ताव कांग्रेस में रखा गया था कि वो काशी यानी वाराणसी से चुनाव लड़े और वो उन्होंने मना कर दिया, सच है ये? देखिए, क्योंकि राहुल जी ने एक बयान दिया है और राहुल जी कहते हैं अगर वो वहां से लड़ती, प्रस्ताव था या नहीं था, उसके ऊपर कोई चर्चा हुई या नहीं हुई। अगर पब्लिक स्टेटमेंट इतने बड़े लीडर दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रस्ताव था, वरना कोई यूं ही तो अपनी बहन या पार्टी की इतनी बड़ी लीडर के लिए तो नहीं बोलेंगे। अब ब्रजेश जी, आप पत्रकार हैं और आप निश्चित रूप से उसके माने मतलब निकाल सकते हैं। हमको ये स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल भी ये स्वतंत्रता नहीं है हमको। अगर कुछ ऐसा प्रस्ताव था उसके अंदर, उसके ऊपर राहुल जी ने कहा है तो इसके बारे में राहुल जी जानते हैं। बीजेपी के भीतरघातियों की मदद ली जीतने के लिए? अब रही बात ये जो भीतरघातियों की बात की जा रही है, तो देखिए वो हारे हैं, अपने कामों से हारे हैं। बेशक जनता ने उनको हराया, अगर इतनी ताकत संगीत सोम में होती तो वो खुद जीत गए होते। वो खुद तो जीत नहीं पाए, हराएंगे क्या किसी को, एक बात। दूसरा ये कि शायद रोहित जी ने जो आरएसएस का स्वतंत्रता काल में कार्यकाल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जयचंद का शब्द का इस्तेमाल किया है। और हम आपकी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति इतना बड़ा बयान जब तक कि उसके मुखिया का उसके सर पे हाथ और अगला आदमी कह रहा है कि मैं पार्टी का पावर हाउस हूं। नहीं नहीं, मैं एक सेकंड रुक जाओ, सफाई थोड़ी देर में देना हिलाल साहब। अगला आदमी कह रहा है मैं पावर हाउस हूं। हम उसकी बधाई देते हैं इनको, और इस बात की भी बधाई देते हैं इनको भी और इनके नेता को भी कि उन्होंने ये हिम्मत की कि उस बात को आकर के पब्लिकली कहा। निश्चित रूप से इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इसके लिए रोहित जी कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों लग रहा है भाई साहब, हमें आपसे बधाई की जरूरत नहीं है, ना हमें आपसे किसी शुभकामनाओं की जरूरत है। आप अपनी पार्टी की समीक्षा करिए, उसके बारे में बता दिया। आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है पूरी एमसीबी ने डाउन हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी डाउन, आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहे। देखिए जो किया गया आरएलडी के साथ, उसके बाद ये बयान आना, जाहिर सी बात है जैन जी तो दे नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करनी थी भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने रोहित को तभी अगला आदमी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि मैं तो पावर हाउस से वो बयान दिलवाया है। ठीक है, और हम मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूँ। ये बहुत दिन से हम बधाई दिल्ली के भाग से छीका।